हेलो तो कैसे हो आप सब बहुत ही हो और वाले हैं एनआईटी अलाहाबाद के कॉलेज रिव्यू के बारे में तो so, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इससे पहले मैंने एनआईटी जयपुर और एन आई का कॉलेज रिव्यू किया है तो so, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आप लोग जाकर देखिए और अपने रिव्यूज बताइए शुरू करते हैं अपने कॉलेज का रिव्यू सो इंस्टीट्यूट का नाम है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को देखकर पता लगता है और लोकेशन है इलाहाबाद मतलब इसका जो नया नाम है इलाहाबाद का वो प्रयागराज हो चुका है इसलिए ब्रैकेट प्रयागराज दिया कैंपस एरिया है टू एकर्स का अब आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं कुछ फोटोज कि आपके फ्यूचर ड्रीम कॉलेज हैं So guys, अगर आप इस कॉलेज में आने वाले हैं तो वो रहा आपका गेट यहाँ से आप वाले हैं बहुत ही शानदार वाली कनेक्टिविटी की तो अगर आप आ, रहे हैं, तो आप पर आ सकते हैं और अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आप इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं आगे बात करो कोर्सेज ऑफर की तो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है ये एनआईटी लाइक केमिकल इंजीनियरिंग बायोटेक सिविल सी एस सी इलेक्ट्रिकल ई सी आई टी मकैनिकल प्रोडक्शन मतलब अगर आपको इस कॉलेज में आना है ना तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है और आप मतलब इन द सेंस कोई भी ब्रांच लेकर यहाँ आ सकते हो बात करूँ एनआईए रैंकिंग की ट्वेंटी तो नाइनटीन में कॉलेज की रैंक थी फोर्टी टू ट्वेंटी ट्वेंटी में हो चुकी है फोर्टी एट कई आप लोगों को लगेगा कि एनआईए रैंकिंग थोड़ी पीछे किसकी है इसका मतलब कॉलेज में थोड़ा डिक्रीमेंट या डाउनफॉल है बट अकॉर्डिंग टू मी एन एफ रैंकिंग इज नॉट अ गुड क्राइटेरिया टू सी कॉलेज लाइक टू जज अ कॉलेज वैसे हम होते कौन है कॉलेज को जज करने वाले बट येस इट्स नॉट अ गुड क्राइटेरिया टू सी ए कॉलेज कि हाँ हमें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बिकॉज एन एफ रैंकिंग बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है इसके बाद बात करूँ यार फेस्ट की तो बहुत सारे फेस्ट होते हैं यहाँ पर आप मतलब पूरा टाइम आप फेस्ट में ही पार्टी वार्टी इन सब में निकलने वाला है बिल्कुल चिलिंग वाला मस्त मजा आने वाला है और दो मेनली फेस्ट है यहाँ पर एक है कलरव जो कि कल्चरल फेस्ट है और एक है आविष्कार और ये जो नाम है ये थोड़ा सा है बट हाँ मतलब समझ जाओ कि ये आविष्कार और ये जो फेस्ट है ये टेक्निकल फेस्ट है बात करूँ हॉस्टल एंड मेस की तो टोटल सेवन बॉयज हॉस्टल और टू गर्ल्स हॉस्टल है आ, मतलब छात्र छात्रा का रिश्ते थोड़ा कम रहने वाला है बट ठीक है यार थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा इन द सेंस मतलब अच्छे कॉलेज में आ रहे हैं और क्या चाहिए इसके आगे बात करूँ बॉयज हॉस्टल की तो यार ट्वेंटी फोर आवर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी गेस्ट रूम मैगजीन स्टूडेंट्स क्लब बुक्स एंड स्टेशनरी शॉप और भाई ऑल नाइट कैंटीन मगर मतलब अगर तुम अपने दोस्तों के साथ रात में दो या तीन बजे मतलब तुम बातें वाते कर रहे हो या घूमने फिरने निकले हो और तुम्हें भूख लग जाए तो भाई साहब तुम कैंटीन में बैठ कर खाना वाना खा सकते हो और वापस जाकर अपनी बातें कंटिन्यू कर सकते हो बात करूँ गर्ल्स हॉस्टल की तो यार यहाँ पर भी बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और ऑलमोस्ट सारी ही फैसिलिटीज अवेलेबल हैं विद इंटरनेट कंप्यूटर्स मोटर पंप एयर कूलर स्टीरो सिस्टम सब कुछ गेम्स फैसिलिटीज भी अवेलेबल है साथ के साथ आगे बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की सॉरी गर्स मैं एक चीज भूलिया ये जो हॉस्टल और मेस का जो थोड़ा है ना मतलब इसके लिए एक स्टूडेंट्स यूनियन अलग से बनाया गया है ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने बताया जो अभी इस कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसने बताया कि यहाँ पर एक स्टूडेंट्स यूनियन बनाया हुआ है जो कि हॉस्टल और मेस को देखता है मतलब उनके अंडर हॉस्टल और मेस चलती हैं और अगर आपको कोई दिक्कत हो आप उन्हें बता सकते हो तो वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यार कि हाँ आपका भी डायरेक्ट हक है कि आप बात करो हॉस्टल और मेस के बारे में और उनको बताओ कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए आगे बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की तो यहाँ पर जो टोटल फीस है वो वन लैख थर्टीन थाउजेंड पड़ रही है और जो क्वेश्चन मनी है वो फाइव थाउजेंड है तो सो आपका जो फाइनल फीस है पर सेमेस्टर वो पड़ने वाली है एक लाख आठ हज़ार रुपये और अगर आप फी वेवर की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फीस और भी कम होने वाली है बात करूँ प्लेसमेंट्स की तो बहुत ही शानदार प्लेसमेंट्स हैं विद हाईस्ट पैकेज फोर्टी नाइन लैक्स मतलब इलेक्ट्रिकल और आई टी के बंदे तो बिल्कुल छा से गए हैं मतलब फोर्टी नाइन लैक्स का पैकेज लेकर अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं यार और आप देख लो अच्छी तरह यार एवरेज पैकेज है मैक्सिमम पैकेज की मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है आप आराम से एनालाइज करो आगे बात और कंपनी विजिट की तो बहुत सारी और बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी यहाँ पर विजिट करती हैं और uh, मतलब ओवरऑल कॉलेज बहुत ही शानदार है विद लश ग्रीन कैंपस ऑफ मतलब ऑफ कैंपस एरिया टू हंड्रेड ट्वेंटी एकर्स और वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और भाई सिटी है इलाहाबाद इन यूपी तो भाई साहब पूरे रंग में ढलने वाले हो और अपने कॉलेज लाइफ को कहीं जहर तरीके से इंजॉय करने वाले हो सो so गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो कॉमेंट करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो सो so दैट्स